Now we come on payback period. Write a short note on payback period as a technique of capital budgeting. तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में नंबर वन कौन सा है आपका? पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड दो टेक्निक थी हमने बताया था स्टार्टिंग में, डिस्काउंटिंग टेक्निक और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक. तो ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है पे बैक पीरियड. इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश फ्लो. जैसे आपने कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया इनिशियल आउटफ्लो, तो इनिशियल आउटफ्लो को रिकवर होने में ओवरऑल कितना समय लगा, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड. क्या बोलेंगे इसको? पे बैक पीरियड. तो इट इज द नंबर ऑफ इयर्स इट टेक्स अ फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश फ्लो. कंप्यूटेशन ऑफ कैसे निकालेंगे? इफ द एंटिसिपेटेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो कैश इनफ्लो आर इक्वल, माने हर साल आपको सेम इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ऑफ एवरी ईयर सेम है, तो डायरेक्ट कर दिया फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन आफ्टर कैश इनफ्लो. ब्रैकेट में लिख लो एनुअल, ब्रैकेट में लिख लीजिए दिस इज एनुअल. कौन सी वाली? एनुअल आफ्टर कैश इनफ्लो. जो हमें एनुअली पैसा मिल रहा है ना, दिस इज एनुअल आफ्टर कैश इनफ्लो. इफ द अर्ली कैश इनफ्लो आर अनइक्वल, यदि अर्ली कैश क्या है? ईयरली. भाई दो चीजें हैं देखो, या तो पैसा आपको हर साल सेम मिलेगा, माने हर साल जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तो हर साल क्या हो रहा है? सेम अमाउंट रिकवर हो रहा है. एक होता है हर साल डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये क्या हो गया? इफ द ईयरली कैश इनफ्लो आर अनइक्वल. अगर अनइक्वल होगा तो पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कैश इनफ्लो अंटिल द टोटल इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटले. इसका मैं एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा, उससे आपको दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि अगर ईयरली कैश इनफ्लो इक्वल हो तो क्या होगा और ईयरली कैश इनफ्लो अनइक्वल हो तो क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे. पहले जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो देख लीजिए कि क्या हम कैश फ्लो के बेसिस पर डिसीजन कैसे लेंगे. जनरल रूल अर्लियर द बेटर. जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो जितना छोटा पे बैक पीरियड होगा उतना बढ़िया है. उसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो जल्दी रिकवर हो रहा है, अर्लियर द बेटर. सिंपल सी बात है. स्पेसिफिक रूल द प्रोजेक्ट हैविंग पे बैक पीरियड पीबीपी है, दिस इज पीबीपी. द प्रोजेक्ट हैविंग पे बैक पीरियड within standard payback period fixed by the management will be accepted. However, अगर हमने कोई standard payback period choose किया हुआ है कि हमारा जो project जो cost है वो दो साल में recover हो जानी चाहिए for example, और आपका ये जो project है इसका payback period दो साल से कम है, तो क्या मतलब हो गया कि जो हमारा answer payback period है वो within the standard payback period है, तो कोई परेशानी नहीं है. जैसे मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरा स्टैंडर्ड पीरियड है वो दो साल है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो दो साल में रिकवर हो जाए, और मैंने इसको जो भी प्रोजेक्ट है उसको एनालाइज किया और उसका पेबैक आ रहा है 1.5 इयर्स, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये विद इन द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा. और अगर वो मेरे स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से ज़्यादा है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा. दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स. ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैविंग पेबैक पीरियड विद इन स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड विल बी चूजन, माने वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है. व्हाट इज इंडिपेंडेंट? जो जो आपका मशीनरी है, जो प्लांट आपने लगाया, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेबैक, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट है. जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे किसी और प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं है. एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स. द प्रपोजल्स हैविंग द अर्लीस्ट पे बैक पीरियड विद इन स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड विल बी चूजन. दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, हमें एक चूज करना है, या तो ए लगाएं या बी लगाएं, तो दोनों के हम पे बैक पीरियड निकालेंगे. जो विद इन दो जितना अर्लियर होगा उतना बेटर होगा. एक तो होता है इंडिपेंडेंट के की प्रोजेक्ट है उसको देखना है कि हम उसको लगाएं ना लगाएं, तो वो तो हो गया इंडिपेंडेंट प्रपोजल. और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, माने एक से ज्यादा ऑप्शन है, मशीन ए मशीन बी मशीन सी,
चूज करना है विच वन इज बेटर, कौन सी मशीन पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग हमें लगानी चाहिए। तो जिसका पेबैक पीरियड जितना छोटा आएगा वो बेटर है विद इन द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड, जो जल्दी रिकवर करके देगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल, कॉम्प्लीमेंट्री माने कि दो प्रोजेक्ट हमें एक साथ लगाने पड़ेंगे, यदि हम ये वाला यदि हम कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो साथ में ये वाला काम और करना पड़ेगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेबैक पीरियड। ए कॉम्प्लीमेंट्री ए सिंगल पेबैक पीरियड विल बी कंप्यूटेड बाय कंबाइनिंग ऑल कैश फ्लो कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल एंड इफ दिस पेबैक पीरियड इज विद इन द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड देन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। यदि हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है ए और साथ में बी भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तो ए और बी दोनों को कंबाइन करके चलेंगे। जो हम निकालेंगे पेबैक पीरियड क्या करेंगे, ए और बी दोनों का इनिशियल ऐड कर देंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो दोनों का, टर्मिनल या जो जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो दोनों की ऐड कर देंगे, मैं दोनों को ऐड करके एक सिंगल मानेंगे प्रोजेक्ट और फिर हम उसका पेबैक पीरियड निकालेंगे। क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, या तो दोनों लगेंगे एक साथ या दोनों को हमें एक साथ छोड़ना पड़ेगा। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स। तो तीन टाइप के डिसीजन है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स और तीसरा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल। नुकसान फायदे क्या है पेबैक पीरियड के, नंबर वन मेरिट्स, द कंप्यूटेशन ऑफ पे एंड यूज ऑफ दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दोज फर्म्स विच आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कैश शॉर्टेज एंड फिनेंस देयर प्रोजेक्ट थ्रू लोन्स। आपके पास कैश की कमी है, आपने लोन लिया हुआ है, तो आप कैसे आओगे कि जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो जल्दी रिकवर हो, तो आप पे बैक पीरियड को देखोगे। दिस टेक्निक हैज एम्फसाइज ऑन लिक्विडिटी बाय स्ट्रेसिंग ऑन अर्लियर कैश फ्लोज, कि जो आपकी लिक्विडिटी वो मेंटेन होती रहे। प्रोजेक्ट इन विच देयर इज मोर रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस आर चूजन इफ देयर पे बैक पीरियड इज क्वाइट स्मॉल, माने वो सारे प्रोजेक्ट इसमें रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस माने टेक्निक चेंज हो जाएगी, जो हम माल बना रहे हैं वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो वहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जल्दी पैसा रिकवर हो जाए, नहीं तो क्या होगा आगे रिस्क ऑफ टेक्निक बढ़ जाएगा। दिस टेक्निक यूजेस कैश फ्लोज रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट विच आर मोर रियलिस्टिक। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो तो नॉन कैश कैश सारे एक्सपेंस लेता है, तो वी आर टेकिंग ओनली कैश फ्लो नॉट आर अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये जो कैश फ्लो टेक्निक है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो हमें प्रैक्टिकली बताती है कि हम जो प्रोजेक्ट उसको लगाएं या ना लगाएं। नुकसान क्या है इसके पेबैक पीरियड के, मोर इम्पॉर्टेंस इज गिविन टू लिक्विडिटी रादर देन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अब कुछ प्रोजेक्ट में क्या होता है, कैश थोड़ा बाद में आना शुरू होता है, लिक्विडिटी शुरू में कम होती है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगी टेक्निक। ओनली द पे बैक ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एंड द इनकम राइजिंग आफ्टर दैट पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड, माने हम खाली कहाँ तक का समय देख रहे हैं कि कहाँ तक हमारा पैसा रिकवर हो गया, उसके बाद का जो फ्लो है वो हमने कंसिडर नहीं किया। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट दिस मैथड इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है फाइनेंस कॉस्ट, जो उस पैसे को रेस करने में हमें खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये टेक्निक जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर कर रही है। दिस मैथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि जो पैसा है वो कब आएगा, फ्यूचर डेट्स में आएगा, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो अभी हो रहा है, तो वो जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डाउन हो रहा है उसको इस मेथड ने कंसीडर नहीं किया। दिस मेथड डज नॉट मेजर रिस्क इन द प्रोजेक्ट, इफ अ प्रोजेक्ट हैज शॉर्टर पे बैक पीरियड बट मोर रिस्क इट मे बी एक्सेप्टेड। कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत होता है लेकिन आपको लगता है कि पैसा है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो वहाँ रिस्क आपका बढ़ जाता है। देयर इज नो रैशनल बेसिस फॉर सेटिंग अ स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड, इट इज जनरली अ सब्जेक्टिव डिसीजन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मैनेजमेंट ने अपना पे बैक पीरियड तय कर लिया स्टैंडर्ड, तो जो 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 तय किया स्टैंडर्ड कोई इसका बेस नहीं होता, ये सब क्या है सोच है, कोई इसका रियलिस्टिक वे नहीं है, तो यही सब क्या है इसके डिसएडवांटेज है। और अब इसका नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे कुछ पेबैक पीरियड के। हेलो।
फाइंड आउट करने के हमारे पास टू वेज हैं, दो तरीके से आप पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं. व्हेन इक्वल कैश इनफ्लो, व्हेन कैश फ्लो आर इक्वल, माने हर साल जो आपको कैश इनफ्लो के रूप में पैसा मिल रहा है ना वो इक्वल है, इसको मैं एनुअल बोल सकता हूँ. जो एनुअल कैश इनफ्लो है दिस इज इक्वल, माने हर साल आपको सेम अमाउंट मिल रहा है. जैसे सपोज कर लीजिए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो लाइक रुपीज 2 लाख है. यहां पर जब मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट लूंगा तो वर्किंग कैपिटल को नहीं लूंगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पैसा बाद में अपने आप रिकवर हो जाता है. तो यहाँ पर इनिशियल का मतलब क्या है, खाली कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, जो असेट्स की कीमत है. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके 2 लाख रुपए हैं और एनुअल कैश फ्लो है आपकी 60,000. ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि आपका आपने शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट किया और हर साल का आपका कैश इनफ्लो कितना है. तो पेबैक पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ, इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो पैसा शुरू में लगाया, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो. तो जो आपने इनिशियल आउटफ्लो किया उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करते हैं, जो मुझे पैसे हर साल मिल रहे हैं, तो मेरा पे बैक पीरियड निकल जाएगा. अब जैसे मैं इसी की बात करूं तो इनिशियल कितना अमाउंट, 2 लाख रुपए, और एनुअल कितने मिले आपको, 60,000 रुपए. तो 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 कितना होगा, 3.33 इयर्स. तो 3.33 इयर्स क्या आ गया आपका पे बैक पीरियड. अगर वर्किंग कैपिटल है तो उसको इनिशियल कैश आउटफ्लो में नहीं लेंगे, वी विल टेक ओनली कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, क्योंकि वो जो वर्किंग कैपिटल का पैसा है वो रिकवर हो जाता है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. क्वेश्चन में ऐसा है कि इंक्लूडेड है, फिर हम उसको माइनस करके, हां यस, उसको अलग करना पड़ेगा. माने वी विल टेक ओनली इनिशियल कैश इनफ्लो, सॉरी इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो पैसा हम शुरू में लगा रहे हैं, ठीक है. तो ये लेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, जिसमें हमारा क्या होगा, एनुअल कैश इनफ्लो आपका इक्वल है, हर साल जो पैसा हमें मिल रहा है वो सेम है. और सर जो इंस्टॉलमेंट सेकंड मेथड है आपका अनइक्वल, जो हर साल पैसा मिल रहा है वो अनइक्वल है, सेम नहीं है. अनइक्वल कैश इनफ्लो, एवरी ईयर जो पैसा मिल रहा है वो आपका अलग अलग है. जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा जो इनफ्लो है, जैसे आपको ईयर गिवन है, फर्स्ट ईयर में हमें हमारा इनफ्लो है लाइक ईयर, फर्स्ट ईयर मिले हमें 50,000, सेकेंड ईयर में मिले हमें 40,000, थर्ड ईयर में हमें मिले 60,000, फोर्थ ईयर में मिले 70,000, ऐसे गिवन है. आप डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आपका जो इनफ्लो है वो अलग अलग है, ठीक है ना. यहाँ पर इनफ्लो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में अलग अलग है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो वी नीड टू फाइंड आउट. तो क्यूमुलेटिव मतलब फर्स्ट हो गया 50,000, फिर 50 में 40 प्लस कर दें, 90 में 60 प्लस किया, 150 में 70 प्लस किया, बस यही स्टॉप होना है. मैंने कहां पे स्टॉप करना है क्यूमुलेटिव को, जहां पर आपको वो 2 लाख रुपए रिकवर हो जाए. तो अगर मैं देखूं ध्यान से,
तो 3 साल में मुझे कितना पैसा रिकवर हुआ? 1,50,000। और चौथे साल के एंड होते होते कितने रिकवर हो गए? 2,20,000। तो जो 2 लाख की फिगर है वो तीसरे और चौथे साल के बीच में कहीं आएंगी, जब मुझे मेरा पूरा पैसा रिकवर हो गया। माने 3 साल तो पक्के पक्के है ही, चौथा पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरे 2 लाख रुपए रिकवर हो गए। तो अब जब मैं इस केस में पे बैक पीरियड निकालूंगा तो कैसे आएगा? अगर सर इनिशियल अगर यहाँ तक भी खत्म नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं हुआ होता तो फिर मुझे आगे जाना पड़ता, मैंने मुझे अपना इनिशियल फिनिश करना है। अगर प्रोजेक्ट में इनिशियल पैसा ही नहीं आएगा तो मैं उसको यूज क्या है? माने ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर कि पेबैक पीरियड में जो आपको रटा गिवन है उसमें कहीं बीच में आ जाए, अगर जो मैंने पैसा लगाया वही रिकवर नहीं होगा तो वो ऑप्शन बनेगा ही। फॉर्मूला क्या बनेगा पेबैक पीरियड को निकालने का? कंप्लीट ईयर कितने थे? 3 साल। भाई 3 साल तो पूरे पूरे ले रहे ना आपको, 3 साल तो 1.5 लाख रुपए रिकवर हो गए। फॉर्मूला ऐसे बनाना पड़ेगा इसका, इनवर्स में नहीं बनेगा फॉर्मूला। 3 साल में कितना रिकवर होगा? 1.5 लाख रुपए। तो 3 साल तो पक्के पक्के हो गए, चौथा पूरा नहीं हुआ, चौथे साल में कितना पैसा रिकवर हो रहा है? 70,000। लेकिन मेरे को कितना अमाउंट चाहिए खाली? 50,000, क्योंकि 1.5 लाख तो रिकवर हो गया ना। तो अभी जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है, 2 लाख का मेरा अमाउंट था उसमें 1.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं, तो जितना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो साल का एक्चुअल में इनफ्लो है वो नीचे आ जाएगा। तो 3 साल तो पूरे पूरे हो गए, 3 इयर्स तो पूरे पूरे हो गए, प्लस 50,000 अपॉन 70,000, तो ये हो गया आपका 0.71। तो दिस इज 3.71 ईयर, 3.71 ईयर। तो इस टाइप से आप पेबैक पीरियड को फाइंड आउट कर सकते। तो दो मेथड है, इक्वल हो तो क्या करेंगे, पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे वो तो इजी था, अनइक्वल में क्या करना पड़ेगा उसका क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, और फिर क्यूमुलेटिव के बेसिस पर हम उसको फाइंड आउट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एज अ टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। होता क्या है बेसिकली, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट नेट ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं, टू कैपिटल इन्वेस्टेड। माने प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं किससे? कैपिटल इन्वेस्टेड से। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स बाय द, डिवाइड किससे करना है, इनिशियल और एवरेज इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है इसका, एआरआर इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कई तरीके हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, माने जो पैसा मैंने शुरू में लगाया, और एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको, और तीसरा कौन सा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बेस दे रखा है। एवरेज पीएटी कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लाइफ, ये अपॉन में है इसके, डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लाइफ। जैसे हमारा 10 साल का प्रोजेक्ट है तो 10 साल की पीएटी निकाल लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 10 साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज पीएटी। तो वो क्या है पीएटी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो और उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा एवरेज पीएटी। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का बताया ना मैंने फॉर्मूला आपको, सर कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल, एक ही बात है, अभी मैंने बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब एक ही होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इसमें अलग देंगे, एवरेज कब लेंगे,
जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पता हो तो उसका एवरेज निकाल लें। माने फॉर्मूला क्या बनाया इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन, है ना, कौन सा खर्चा जो हमने इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया, माइनस स्क्रैप ब्रैकेट बंद अपॉन टू प्लस अपॉन टू के बाद दोबारा से प्लस होगा, ये क्या प्लस होगा, स्क्रैप प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये पूरा फॉर्मूला है इसका। एक्चुअली इसको एडलेस करने का जो लॉजिक है वो और है। वो ये बोलता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है, जब मैं इसको माइनस स्क्रैप अपॉन टू करता हूँ तो हम इसका एवरेज कर रहे हैं। माइनस स्क्रैप करके क्या आता है, कंप्लीट अमाउंट, उसको फिर मैं अपॉन टू कर रहा हूँ तो मैं एवरेज कॉस्ट ले रहा हूँ। लेकिन ये खर्चा हुआ तो है ही, और लास्ट के जब मैं जो प्रोजेक्ट को बंद करूंगा तो क्या मिलेगा, रिटर्न में स्क्रैप मिलेगा, वापस मिलेगा, और क्या मिलेगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है पूरी, बट फॉर द टाइमिंग आपको खाली डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला है, इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप अपॉन टू प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहां से देखिए, इफ नेट कैश फ्लो इज गिवन इन द प्रोजेक्ट देन द एवरेज नेट इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनुअल कैश इनफ्लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते थे आप, पीएटी का मतलब क्या है, माने का मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पीबीडीटी में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, है ना, और फिर क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और क्या लेस करेंगे, टैक्स। तो दोनों को लेस करने के बाद जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, पीएटी, और जितने साल का डाटा गिवन है उन्हें ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या है उसके अंदर, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है इसका देख लीजिए कि कैसे आप इसका डिसीजन लोगे। जनरल रूल क्या है, हायर द बेटर, जितना एआर बड़ा होगा उतना बेटर है। एआर बड़ा होने का मतलब है कि हमें कैपिटल इन्वेस्टेड पे हायर रिटर्न मिल रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो हायर द एआरआर बेटर इट इज। स्पेसिफिक रूल वही है, द प्रोजेक्ट हैविंग एआरआर मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने सोचा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना तो मिलना चाहिए, फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। यदि आपका एक्चुअल एआरआर डिजायर्ड एआरआर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा एआरआर डिजायर्ड एआरआर से कम है तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हाउएवर फॉर मोर देन वन प्रपोजल, अगर एक से ज़्यादा प्रपोजल हैं तो इंडी, वही जो हमने लॉजिक पेबैक पीरियड में किया था, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, कौन से प्रपोजल्स, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रपोजल, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैविंग एआरआर मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी चूजन। जो आपने मिनिमम रिटायर जो मिनिमम रेट चूज किया था उससे ज्यादा है आपका एआरआर, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और कम है तो उसको रिजेक्ट करोगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, जैसे दो प्रोजेक्ट हैं और हमें चूज करना है कौन सा हमें दोनों में जो बेटर है वो चूज करना है, तो जिसका एआर बड़ा होगा वो बेटर है। म्यूचुअली का मतलब मैंने क्या बताया था कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप या तो ये वाला चूज करो या दूसरे वाला, तो जिसका एआर बड़ा होगा वो बेटर है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो प्रोजेक्ट हमें एक साथ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ए सिंगल एआरआर विल बी कंप्यूटेड बाय कंबाइनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड
इसको एंड कर लीजिए, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंगल प्रोजेक्ट चूज करेंगे आफ्टर कंबाइनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स एंड इफ दिस एआरआर इज मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। जैसे ए है, अगर ए आप चूज करोगे तो बी भी चूज करना पड़ेगा, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। सी चूज करोगे तो डी भी चूज करना पड़ेगा, तो ए और बी को एक साथ लेंगे और सी और डी को एक साथ लेंगे और जो उन दोनों को आपस में कंपेयर करके जो बेटर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेट द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स क्या है इसके। ए आई मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट टू यूज, सिंपल लॉजिक्स हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिकॉज इट कंसिडर द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। पे बैक में क्या था, वो खाली वहां तक का डाटा कंसिडर करता था जब उसका पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन ए आर आर क्या ले रहा है, एवरेज बेस ले रहा है, तो पूरी लाइफ को लेकर चल रहा है, पूरी लाइफ में कितना रिटर्न मिलेगा। इन दिस मैथड द नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इज यूज, देयरफॉर इट इज थियोरेटिकली वेरी साउंड, है ना। इसमें क्या हो रहा है, नेट इनकम क्या लेते हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन इज यूज, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ले लीजिए, यहाँ लिख लो नेट इनकम कौन सा लिया, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने सब कुछ क्लैश कर दिया। दिस मेथड कैन बी यूज बाई बिजनेस मैन फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज वेल्थ इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर। डीमेरिट्स क्या है, जनरल पॉइंट है डीमेरिट्स में, दिस मेथड डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जितने भी नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर हैं, नॉन डिस्काउंटिंग दो थे, पहला पे बैक पीरियड और दूसरा ए आर आर। दोनों मेथड की लिमिटेशन क्या है कि दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही, माने हम पैसे की जो वैल्यू में गिरावट आ रही है, जो डेप्रिशिएट होता है, वो हम कंसिडर नहीं करते। इन दिस मेथड दैट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉट कैश फ्लो आर कंसिडर इन अप्रेजिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जबकि लॉजिकली हमें क्या लेना चाहिए, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का लेकर वी आर कंसिडरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इन दिस मैथड वेदर द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट इज फेयर और नॉट। हम इसको आसानी से पता नहीं लगा सकते कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो सही है या कम है या ज़्यादा है। देर इज नो रैशनल बेसिस फॉर सेटिंग अ मिनिमम। अगर आप पे बैक और ए आर दोनों के डीमेरिट्स कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट सेम ही है कि दोनों मेथड में जो हम ये स्टैंडर्ड तय करते हैं कि इतना होना चाहिए, उसको सेट करना इतना ईजी नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। इन दिस मैथड द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट वर्ड्स आर यूज विच हैव मैनी मीनिंग्स, विच हैव गेट मैनी मीनिंग, उसके काफ़ी मीनिंग्स हो सकते हैं। सो देर इज वेगनेस, मान डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में एक ही बात के कई मतलब दे रखे हैं, तो इसीलिए क्या है, अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है। जैसे अभी क्वेश्चन है, देखिए प्लीज, एबीसी लिमिटेड ने प्लानिंग टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 60,000, 60,000 की मशीन है, 8,000 का साल्वेज वैल्यू है, इकोनॉमिक लाइफ मशीन का 5 साल का है और 5 साल के आपको पीएटी गिवन है। साल्वेज स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज माने स्क्रैप वैल्यू, 5 साल के आपको पीएटी गिवन है 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 8,000। यूजिंग एआर मेथड शुड द मशीन बी परचेज्ड इफ द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, माने कंपनी का डिजायर कितना है 20%, तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो फॉर्मूला वही है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, पहले क्या निकाला आपने, एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के डाटा गिवन थे, पीएटी सबको ऐड करके अपॉन 5 कर दिया तो 6,400 आपका एवरेज पीएटी आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 1.2 इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज प्लस साल्वेज प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अभी इसमें ना तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है और ना ही वर्किंग कैपिटल है, तो 1/2 ब्रैकेट 60,000 माइनस 8,000 प्लस ब्रैकेट के बाहर 8,000, तो आपका एवरेज एआर कितना आ गया 34,000। तो एआर कितना है आपका, 6,400 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 18.82%, दिस इज योर एआरआर। अब हमने क्या सोचा था, एआरआर 20%, जबकि आंसर क्या बोल रहा है, 18.82%। तो एस्टिमेटेड एआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 18.82%, विच इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%। देयरफॉर
इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड इन द प्रोजेक्ट. तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. तो हमने इसमें दो मेथड डिस्कस किए, पहला ARR और दूसरा कौन सा डिस्कस किया, पे बैक पीरियड. दोनों ही हमारे कौन से हैं, डिस्काउंटिंग मेथड. ठीक है, बोथ आर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. तो इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए जो भी पॉइंट रहेगा.